स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स इस लेक्चर के लिए मैंने जिस लफ्ज़ का इंतखाब किया है वो है ओनली। देखने में तो ये लफ्ज़ बहुत आसान लगता है, मगर याद रखिए कि ये लफ्ज़ एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है, कंजंक्शन भी है, और इसका इस्तेमाल बहुत ट्रिकी है। बहुत से लोग ओनली के इस्तेमाल में गलती कर जाते हैं। ओनली के सही इस्तेमाल के लिए ये वीडियो गौर से शुरू से लेकर आखिर तक सुनिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस, ओनली ही रोट टू मी अबाउट द डिफिकल्टी। सिर्फ उसने मुझे लिखा और किसी ने भी नहीं लिखा मुश्किल के बारे में। सेकेंड सेंटेंस, ही ओनली रोट टू मी अबाउट द डिफिकल्टी। उसने महज मुझे लिखा डिफिकल्टी के बारे में, बाकी कुछ भी नहीं किया। थर्ड सेंटेंस, ही रोट ओनली टू मी अबाउट द डिफिकल्टी। उसने लिखा मगर सिर्फ और सिर्फ महज मुझे लिखा और किसी को भी नहीं लिखा मुश्किल के बारे में। ही रोट टू मी ओनली अबाउट द डिफिकल्टी। उसने मुझे लिखा मगर बाकी कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी के बारे में लिखा। फिफ्थ सेंटेंस में देखें, ही रोट टू मी अबाउट द ओनली डिफिकल्टी। उसने मुझे लिखा मगर महज एक ही जो डिफिकल्टी थी उसके बारे में लिखा। देखते जाएं, ओनली की जगह जैसे जैसे चेंज हो रही है सेंटेंस में, वैसे वैसे सेंटेंस का मतलब भी चेंज हो रहा है। बाकी सारे अल्फाज वही हैं, अल्फाज में कोई हेर पेर नहीं है, बिल्कुल एक ही अल्फाज हैं, बिल्कुल एक ही तरतीब में हैं। सिर्फ और सिर्फ ओनली की जगह चेंज हो रही है और ओनली की जगह के साथ साथ सेंटेंस के मानी भी चेंज हो रही है। उम्मीद है इस लेक्चर की आपको समझ आई होगी। इस लेक्चर को बहुत शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।